शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गोलगप्पे पसंद नहीं। अधिकतर लोगों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल में मिलने वाले गोलगप्पे से ज्यादा टेस्टी सड़क किनारे मिलने वाले ठेले के गोलगप्पे लगते हैं। अगर आप भी ठेले पर रोजाना गोलगप्पे खाते हैं तो आज ही अलर्ट हो जाए और यह रिपोर्ट जरूर देखें। दरअसल नेपाल की काठमांडू घाटी के ललितपुर में गोलगप्पे बेचने पर रोक लगा दी गई है। घाटी में कॉलरा यानी हैजा के मामले बढ़ गए हैं। वहीं ललितपुर मेट्रोपॉलिटियन सिटी ने दावा किया है कि गोलगप्पे में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में हैजा के बैक्टीरिया थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहले यह देखिए कि सड़क किनारे गोलगप्पे बेचने वाले कहां से पानी भरकर लेकर आते हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि उस पानी को कहां स्टोर किया जा रहा है। साथ ही जिस बर्तन में वो पानी तैयार कर रहे हैं वह साफ सुथरा है कि नहीं। ये तीनों ही बातें हम टेस्ट के आगे इग्नोर कर देते हैं और यही हमारी गलती हो जाती है जो हमें बीमार कर देती है। पानी को खट्टा बनाने के लिए आमतौर से कच्चे और सूखे आम, इमली, नींबू जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आम हर सीजन में नहीं मिलता और नींबू भी महंगा होता है। ऐसे में गोलगप्पे के पानी को खट्टा बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जैसे एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर इतने तरीके के एसिड मिलाकर गोलगप्पे के पानी को खट्टा किया जाए तो बॉडी का एसिड बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा और इसके कारण आप आईसीयू में भी पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे जान भी जा सकती है। इसके अलावा पानी को हरा और खूबसूरत बनाने के लिए पुदीना और धनिया की जगह आर्टिफिशियल कलर भी धड़ल्ले से मिलाया जा रहा है। इन्हीं एसिड्स और आर्टिफिशियल कलर की वजह से गोलगप्पे स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। गोलगप्पे के पानी में ज्यादा नमक डाला जाता है, यह ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही जिस तेल में यह तला जाता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। कई बार ठेले वाले बचे हुए तेल में ही गोलगप्पे फ्राई कर देते हैं, ऐसे में सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोलगप्पे विश्वसनीय जगह ही खाए जाने चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।